हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सलवार की कटिंग करना सीखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कॉपी पेन पे अच्छे से मेजरमेंट को समझा देती हूँ और बता देती हूँ कि किस तरीके से सलवार की कटिंग होती है, फिर हम लोग इसे फैब्रिक पे काटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग को बेल्ट की लंबाई लेनी है। तो जो हमारी बेल्ट की लंबाई रहेगी वो रहेगी 10 इंच की, जिसमें हम लोगों का 1.5 इंच का जो रहेगा वो नेपा रहेगा और 0.5 इंच हम लोग का सिलाई में चला जाएगा। अब इसके बाद में आप लोगों को बेल्ट की चौड़ाई ले लेनी है। आपके हिप का साइज जितना भी हो आप लोग उसमें 6 इंच मिला दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी हिप का साइज 45 इंच है, तो 45 इंच में मैं 6 इंच मिला देती हूँ जो कि 51 इंच आएगा, जिसमें हम लोग 1 इंच और मिला देंगे मार्जिन के लिए, तो फिर ये 52 इंच आ जाएगा। 52 इंच का जब हम लोग आधा करेंगे तो ये 26 इंच आएगा। हम लोग को डबल फोल्ड में करके बेल्ट को काटना रहेगा। इसके बाद गाइज हम लोग सलवार की लंबाई लेंगे जो कि 29.5 इंच है, जिसमें हम लोग 1 इंच मिला लेंगे मार्जिन के लिए, तो ये 30.5 इंच की हमें लेनी है। अब गाइज हम लोग को मोहरी की चौड़ाई ले लेनी है। आपकी मोहरी जितने भी इंच की हो आप लोग उसका आधा कर दीजिएगा और 1.5 इंच मिला दीजिएगा। तो यहाँ पर 15 इंच की मोरी है जिसका आधा 7.5 इंच होगा और उसमें मैं 1.5 इंच मार्जिन के लिए मिला देती हूँ। फिर गाइज हम लोगों को आसन की लंबाई ले लेनी है। कहे का साइज जितना भी हो उसका डिवाइडेशन 6 से करा दीजिए और उसमें 1 इंच मिला दीजिए। तो यहाँ पर 45 इंच की हिप है हमारी, जिस यहाँ पर 7.5 इंच आया, जिसमें हम लोग 1 इंच मिला देंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो हम लोगों को आसन का निशान 8.5 इंच पर लगाना है। 8.5 इंच इस तरीके से भी लिखा जाता है और 8.5 इंच इस तरीके से भी लिखा जाता है। दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। अब गाइज हम लोग सलवार की तैयार लंबाई की बात कर लेते हैं। तो ये 37.5 इंच की तैयार करनी है हम लोगों को, जिसमें कि 29.5 इंच की हमारी ये देखिए सलवार की लंबाई रहेगी और उसमें हम लोग को 8 इंच मिला देना है जो कि हमारी बेल्ट से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 इंच की हम लोग को बेल्ट लेनी है, 1.5 इंच नेफे में चला जाएगा और 0.5 इंच मार्जिन में, तो 8 इंच की हमारी बेल्ट बचेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है 8 इंच, तो अब इसका टोटल होगा 37.5 इंच। तो हमारी सलवार की लंबाई 37.5 इंच की तैयार हो जाएगी। गाइज मैंने आप लोगों को इस तरीके से पेपर में इसलिए समझा दिया क्योंकि आप किसी भी साइज की सलवार काटे तो आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। और गाइज आप लोगों को नीचे डिजाइन बनाने के लिए इस तरीके से बकरम को काट लेना है, 1 इंच या फिर 1.5 इंच की, आप जितनी भी चौड़ी रखना चाहते हो नीचे के डिजाइन को, और इसमें कपड़ा लगा के आप लोग को उसमें लगा देना है। अगर आप लोग इसको डायरेक्टली उसमें लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, आप लोगों को इसको अलग से बनाना है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसकी कटिंग फैब्रिक में कर लेते हैं चल के। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब हम लोग को इस फैब्रिक को उल्टा करके बिछा लेना है और सबसे पहले हम लोग बेल्ट की कटिंग करेंगे। सो गाइज यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर दिया, ये देखिए इस तरीके से 1, 2, 3, 4 4 फोल्ड में करने के बाद आप लोगों को फैब्रिक को ये देखिए थोड़ा ऊंचा नीचा है यहाँ पर कपड़ा, इसे हम लोग एक बराबर कर लेंगे। तो स्केल से निशान लगा लेते हैं हम लोग इस तरीके से, आप लोगों को सीधा निशान लगा के इसकी कटिंग कर देनी है, इससे हम लोग का कपड़ा बराबर हो जाएगा। अब गाइज हम लोग यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और 10 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। दोनों साइड में हम लोग को 10 इंच पर निशान लगा लेना है। अब हम लोग को गाइज एक लाइन खींच लेनी है इस तरीके से और इसकी अब हम लोग कटिंग कर देते हैं। गाइज इसे अब हम लोग खोल लेते हैं, ये डबल फोल्ड में है। अब इसमें हम लोग 25.5 इंच लेंगे क्योंकि 45 इंच की हमारी हिप है, उसमें 6 इंच मिलाने पर 51 इंच आएगा और 51 इंच का आधा 25.5 इंच होगा। 25.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 0.5 इंच और ले लेंगे मार्जिन के लिए, तो 26 इंच पर एक निशान लगा दिया मैंने। अब इन निशानों को मिला देते हैं और गाइज अब हम लोग इसकी कटिंग कर देते हैं। सो गाइज इस तरीके से हम लोगों ने सलवार की बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब इसे हम लोग साइड में रखते हैं। अब गाइज हम लोगों को यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखे 30.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। दोनों साइड से हम लोग निशान लगा लेंगे गाइज ताकि हमारा निशान गलत ना लगे। और अब हम लोगों को यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है। अब गाइज हम लोगों को इस ओपन साइड से इस तरीके से इंची टेप को रखना है और 8.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। ये हमारे आसन का निशान होगा। आसन का सही निशान लगाने के लिए गाइज जो भी आपका हिप का साइज हो उसका डिवाइडेशन 6 से करा दीजिए और उसमें 1 इंच मिला दीजिए। तो यहाँ पर हमारी हिप का साइज 45 इंच था, तो यहाँ पर 7.5 इंच आया जिसमें हम लोगों ने 1 इंच मिलाया, तो 8.5 इंच पर मैंने ये वाला निशान लगा लिया है आसन का। अब हम लोगों को नीचे मोरी का निशान लगा लेना है। सो गाइज यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और 15 इंच का आधा लेंगे तो 7.5 इंच आएगा, जिसमें हम लोग 1.5 इंच और मिला देंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर 2 निशान मैंने लगा दिए इस तरीके से। गाइस अब हम लोगों को इस निशान को इस निशान से मिला देना है। सो गाइस इसमें हम लोगों ने निशान लगा लिया, अब हम लोग की कटिंग कर लेते हैं।
सो गाइज यहाँ पर हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।